टुडे वी आर डूइंग सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स। आज हम देखेंगे कि जो दो वर्ड्स होते हैं जो हमारे काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं उसके अंदर हमें कौन सा सेंटेंस में सुटेबल वर्ड लगेगा और उसको हम फिल करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या सेंटेंस गिवन है, ड्यूरिंग माई स्टे इन विशाखापट्टनम आई कैप्ट अ डैश ऑफ डेली अवे। अगर मैं यहाँ पर विशाखापट्टनम जा रही हूँ तो मेरे पास में दो डायरी है, एक है डायरी जो हम एक छोटी सी पर्सनल डायरी लगते हैं, ठीक है, जो नोटबुक की तरह होती है, दूसरा एक होती है डायरी बच्चे की जिसके अंदर आप मदर डायरी जो होती है दूध वाली जो होती है जिसमें आप मिल्क लेने जाते हो, राइट। सो अब आप दोनों मुझे ये बताएंगे कि जो हमारे दो वर्ड हैं यहाँ पर, एक है डायरी और एक है डेयरी, तो इन दोनों में से आंसर कौन सा सही होगा। लकी बताइए, स्टैंड अप, आप बताओ बेटा कि डायरी होगा या डेयरी होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। मैम फर्स्ट, फर्स्ट डायरी होगा, वेरी गुड, सिट डाउन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डायरी। इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट, आदिल फेल्ट डैश इवन आफ्टर द रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। अब यहाँ पर जो आदिल है उसकी वीकनेस की बात कर रहे हैं, उसके कोई भी एक पर्सन है उसके हमारे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बात कर रहे हैं जिसके अंदर वो कमजोर होगा। एक होता है वीक वर्ड और दूसरा एक होता है सप्ताह वाला वीक, ठीक है, जिसको भी हम वीक बोलते हैं। तो दो वर्ड है, एक है हमारा सप्ताह वाला और एक है कमजोर वाला। तो अब बताइए कि इन दोनों में से आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। सो अजी, स्टैंड अप, बताइए बेटा। मैम फर्स्ट, फर्स्ट वाला आएगा। आर यू श्योर कि फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि वो तो वीक होता है हमारा सप्ताह वाला, दूसरा वाला हमारा फीवर से डिपेंड है कि उसकी हेल्थ खराब हुई है या अभी तक वो उस हेल्थ से निकला है। सो इलनेस की बात हो रही है तो हमारा ये वाला वीक आएगा, ठीक है, WEAK। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है, ऑल माय फ्रेंड्स डैश चार्ली एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। अब यहां भैया बोला गया है कि हमारे दो है, अब यहां पर एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट दो वर्ड है, तो यहां पर आपको क्या लगता है कि क्या वर्ड आएगा। एक होता है एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और दूसरा एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा। तो इसमें सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ऑल माय फ्रेंड्स डैश चार्ली एंजॉयिंग लिसनिंग टू म्यूजिक, तो उसके अलावा और सारे एंजॉय कर रहे थे। तो यहां पर हमारा एक एक्सेप्ट लिखा हुआ है और एक एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, कोई भी हमें एडवाइस देता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया। एक होता है एक्सेप्ट जो इसके अलावा ऑप्शन होता है, तो दोनों में से कौन सा आएगा, मंता आप बताइए बेटा। सेकेंड वाला आएगा, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट, क्योंकि हमने उसमें एक्सेप्ट इसके अलावा की बात की है। ओके, नेक्स्ट आता है, द क्वेरल्स बिटवीन पेरेंट्स शुड नॉट चिल्ड्रंस स्टडीज। अब यहाँ पर दो इफेक्ट की बात हो रही है, एक होता है जिसका असर पड़ता है और एक होता है टू इन्फ्लुएंस। ओके, तो यहाँ पर दो इफेक्ट होते हैं। सो इफेक्ट का मुझे आप लोग बताएंगे कि इफेक्ट का एक होता है टू इन्फ्लुएंस और एक का होता है असर पड़ना, तो दोनों में से कौन सा आएगा, अफेक्ट या इफेक्ट, बताइए। चलिए अजीत बता दो, इफेक्ट या इफेक्ट, वन एंड टू, सेकेंड आएगा। आर यू श्योर कि सेकेंड आएगा, क्योंकि इसका मतलब तो आप गलत बता रहे हो, इसका आंसर होगा अफेक्ट। क्या आंसर होगा, अफेक्ट, क्योंकि वो उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ओके, एक अफेक्ट का मतलब होता है कारण, तो वो नहीं है। ओके, टू कॉज, जिसको हम इंग्लिश में टू कॉज बोलते हैं। नेक्स्ट, सर आई यू ईट एट मोर आइसक्रीम डैश एनिमल एल्स। अब यहाँ पर सरायू की कंपेयर कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या दो चीज, दो लोगों में कंपेयर किया जा रहा है, जैसे हमने भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने कंपैरेटिव वाला पढ़ा था। इसमें है एक देन और एक है देन, देन का मतलब वो क्या होता है बाद में, और दूसरा होता है जब दो लोगों के बीच की बात में हम देन वर्ड यूज करते हैं। सो अब बताइए कि वन एंड टू, सेकंड फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, कौन बताया, मंता बताओ, सेकंड सेकंड, ओके गुड, देन इधर आएगा देन। नेक्स्ट होता है, नताशा ऑलवेज वॉन्टेड टू लीव इन डैश कंट्री साइड। अब दो क्विट, एक है क्विट, एक है क्वाइट, क्विट का मतलब शांत रहना है ना, और एक और क्वाइट का मतलब हो जाता है जो दूर चला जाता है, जो वहां से कंप्लीटली हट जाता है। तो यहाँ पर दो क्वाइट है, अब मुझे इसका आंसर कौन बताएगा, चलिए नमन आप बताइए, क्वाइट वन आएगा या हमारा दूसरा वाला आएगा, अब आंसर बताइए कौन सा वाला, सेकेंड और फर्स्ट, सेकेंड, वेरी गुड। तो हमारा आंसर ये वाला आएगा जिसको हम बोलते हैं कम्प्लीटली, क्या बोलेंगे हम, कम्प्लीटली, ओके क्वाइट। नेक्स्ट आता है, रवि एंड अश्विनी बोथ बॉट डैश अ प्रेजेंट। अब इन्होंने बोला है बोथ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, तो जब दोनों की बात हो रही होती है तो इसमें ईच अदर लिखा है और वन अनदर लिखा है,
सो कौन आंसर मुझे इसका बताएगा? लकी, चलिए बताइए बेटा, ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा? ईच अदर आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर दोनों की बात। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर कि डू यू रिमेम्बर द डैश इन विच द हीरो जंप इन टू अ लेक टू सेव अ चाइल्ड। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि क्या आप उस सीन को याद कर रहे हो? तो दो सीन है, एक सीन होता है जो आप देख चुके होते हो, जो आप कोई भी चीज सी का क्या हो जाता है, सीन थर्ड फॉर्म हो जाता है ना, जो ऑलरेडी आप देख चुके होते हो। नेक्स्ट होता है सीन, जैसे आपने कोई मूवी की पिक्चर का सीन करा हो या कोई भी सीरियल का कोई भी एक सीन देखा हो, तो यहाँ पर दो सीन है, एक है एस डबल ई एन सीन, दूसरा है एस सी ई एन ए। ईशान बताइए बेटा, इसमें सीन फर्स्ट वाला आएगा या सेकेंड वाला आएगा? सेकेंड वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक सीन की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। तो आप सब अब यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा हमारा करेक्ट वर्ड आएगा अकॉर्डिंग टू देयर सेंटेंसेस। ओके,